हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी अग्जा। तो ये है शाम का टाइम और आज मेरे यहाँ बनने वाला है 2-3 तरह का पकौड़ी और आलू चप। और अर्पित ले रहा है मेरा ये भैया। प्याज, ये है कटा हुआ प्याज, ये है चाकू, ये है हाथ, ये है मेरी मम्मी। तो मिलिए मेरी दादी से जिनके साथ बच्चे कर रहे हैं वीडियो आ मजाक। रहा है भैया, बाहर जो खुल रहे वो फेंक दो। अब सबसे बड़े बड़ी नानी अभी सेलिब्रिटी है। वीडियो नहीं हिला अर्पित दादी। स्माइल दादी, तो यहाँ मैंने प्याज काट लिया है, उधर आलू को भी बॉयल होने दे दिया है। आलू बॉयल हो चुका है, मैं इधर आलू छील रही हूँ और उधर दादी जो है शाम बत्ती दे रही है। आलू चप की तैयारी करेंगे। मम्मी भी पीछे से हेल्प कर रही है बट कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है क्योंकि मम्मी का आज डायलिसिस हुआ है, तो तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की। यहाँ पर मैंने आलू चप के लिए सबसे पहले बादाम को छाना है। आलू का मसाला इस बार हर बार से ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। आलू के मसालों में मैंने अलग से थोड़े बहुत मसाले ऐड किए हैं जो कि मैं हर बार नहीं करती थी। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, उसके बाद मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। उधर मैंने आसी को दूध दे दिया है, दूध में हॉर्लिक्स डालकर। बहुत ड्रामा करती है आसी कि मम्मी यहाँ का दूध अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब बहुत तरह का बात बनाती है आसी यहाँ पर आकर। ऐसे तो वो बहुत बातूनी है भी, तो दूध नहीं पी रही है, मुझे जाकर डांट लगाना पड़ेगा तभी वो दूध पिएगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा मरीच का पाउडर। इसमें मैंने अलग से कुछ मसाले ऐड किए हैं जिसमें की है गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। सबसे लास्ट में कसूरी मेथी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आसी को दूध दिए हुए 20 से 25 मिनट हो गया, अभी तक दूध फिनिश नहीं की है और नानी से गप कर रही है और डांटने पर बहाना बना रही है कि अभी तक फिनिश क्यों नहीं की है दूध। अब हम आलू के मसाले में थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसमें चना हुआ बादाम डाल देंगे। 2-3 बार चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये पेस्ट मम्मी ही बना कर दी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना सुंदर आया है आलू के मसाले का, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। लग रहा है ना देखने में सुंदर। आलू के मसाले को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ध्यान देने वाली बातें जो होती है वो होती हैं आलू की भुनावट और इसमें डाले गए मसाले। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। आज ये देखने आई है कि आलू चप बना है कि नहीं। मैं तो कौन बना? हाँ बना हूँ। हाँ बेटा बना है। ठीक है, पर हम अभी खाएंगे नहीं। कली मम्मी, दादी मम्मी तीनों मिलकर टीवी सीरियल देख रहे थे रूम में, तो कहली मम्मी बोली कि लाइए सुनिए हम आलू चप के लिए टिक्की तैयार कर देते हैं, दादी भी साथ में है, दोनों मिलकर जल्दी हो जाएगा। तो वही टिक्की बना रही है कहली मम्मी और दादी। जब तक वो लोग टिक्की बना रहे थे तो इधर मैंने प्याज के बैटर को तैयार कर लिया है। इन दोनों चीज़ों में मैंने मिर्ची नहीं डाला है, ये आसी के लिए है। आलू चप के लिए इधर मम्मी घोल तैयार कर दी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आसी के लिए पकौड़े छान रही हूँ।
यहाँ मैंने पकौड़े छान लिए हैं, ये बिना मिर्ची वाले पकौड़े हैं। अब हम मिर्च वाला पकौड़ा छानेंगे, थोड़ा सा ही छानना है। उसके बाद छानेंगे आलू चप, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पहले सब चीज़ छान लेंगे, बैंगनी, आलू चप, प्याज का पकौड़ा। आलू चप छानते टाइम मुझसे गलती हो गई थी, बेसन थोड़ा सा पतला था, थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए था, और मुझे एक आलू चप छानकर देख लेना चाहिए था कि बेसन पतला है या मोटा। इससे क्या हुआ कि सारा आलू चप एक दूसरे में चिपक गया था और आलू के अंदर तेल भी चला गया था और बेसन अलग हो गया था, बेसन का छिलका। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डांट भी पड़ा मम्मी से और आलू चप का सत्यानाश कर दिया था मैंने। मम्मी पीछे से आई और बाबू के लिए यहाँ पर ब्रेड चप छान रही है। पहले तो बोली मम्मी आलू चप खाएंगे, और फिर नानी को बोल रही है कि नहीं नानी अब ब्रेड चप खाएंगे, तो मम्मी ब्रेड चप छान रही है आशी के लिए। चप और पकौड़ी की वजह से पूरा किचन फैल गया है। अर्पित बहुत अच्छे से खाता है पकौड़ी वगैरह, आशी ही सब कुछ टेस्ट नहीं करती है, बट एक्साइटमेंट उसका ऐसा रहता है मानो सब कुछ पसंद हो उसको, सिर्फ ब्रेड चप खा रही है आशी टीवी देखते हुए। तो मेरे यहाँ सारा चप पकौड़ी छना गया है, मैंने फ़ोटो भी ले ली है। इस फोटो में गोभी का पकौड़ी, आलू चप, ब्रेड चप, प्याज का पकौड़ी और बैगनी। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग में, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।